सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का स्वामी गेमिंग यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो गाइस, फ्री फायर गेमिंग कम्युनिटी के हर एक न्यूज़ एंड अपडेट्स लेके आ चुका हूँ एक और नई वीडियो में। तो गाइस यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप में से सभी बंदे, मतलब ज़्यादातर बंदों को ये मालूम चल चुका होगा कि गाइस श्रेय आईटी के चैनल के ऊपर गाइस लगातार 3 स्ट्राइक पड़े हैं, और जिसके रिगार्डिंग गाइस उसका चैनल जो है 7 दिन के अंदर डिलीट हो जाने वाला है। तो गाइस इसी टॉपिक के रिगार्डिंग श्रेय आईटी ने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया कि उनके चैनल के ऊपर 3 स्ट्राइक पड़ी है। लेकिन उन्होंने ये क्लियर करके नहीं बताया कि उनके चैनल के ऊपर किसने स्ट्राइक मारा है। तो इसी लिए गाइस बहुत बंदे ज्ञान भाई के चैनल पर जाके गाइस लाइव स्ट्रीम पर ये कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने श्रेय आईटी के चैनल को मतलब स्ट्राइक मारा है, एंड उनको उल्टा सीधी गाली दे रहे हैं। तो गाइज इसी वजह से ज्ञान भाई ने कल अपने चैनल के ऊपर एक सेपरेटली लाइव स्ट्रीम किया था, जहां पे उन्होंने प्रूफ के साथ ये बताया कि उन्होंने अपने उसके मतलब श्रेय आईटी के चैनल के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं मारा था, लेकिन एक स्ट्राइक उनके तरफ से श्रेय आईटी के चैनल के ऊपर पड़ा है। तो वो स्ट्राइक जो उन्होंने खुद नहीं मारा था, गलती से लग गया था। तो गाइज जिस बंदे ने उनके चैनल के ऊपर स्ट्राइक मारा है बाकी के 2 स्ट्राइक, तो उसी बंदे ने ज्ञान भाई के चैनल पर ऑलरेडी एक स्ट्राइक मार के रखा है। तो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग ज्ञान भाई ने लाइव स्ट्रीम में क्या क्या कहा, उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। खुद मेरे ऊपर कैसे ऐसे बंदे बोलते हैं, okay, जो बहुत सारे बंदे जो मेरे गिल में रहते हैं बंदे लोग, जो लोग नहीं रहता कोई बात नहीं, कोई छोड़ के चल जाता है। मैंने कॉपीराइट दिला ऐसे बोल रहे, जो मैंने नहीं दिया है, ओके गाइस पहली प्रूफ, और ना मैं किसी को बोला कॉपीराइट देने के लिए। दूसरा प्रूफ, तुम लोग मेरे सब्सक्राइब होके मेरे को बोल रहे हो चैट में जाके ज्ञान भाई जस्टिफाई, ज्ञान भाई को रेप को, ज्ञान भाई को सब्सक्राइब करो, ज्ञान भाई ये भाई ज्ञान भाई हुए भाई। मैं खुद जो कॉपीराइट पढ़ते रहेंगे, मैं खुद सामने आता हूं सबसे पहले जिसको कॉपीराइट पढ़ता है, ओके ये बात जान लो आप लोग। सबसे पहले ज्ञान भाई नोट गाइस, मुझे पता, मैं अभी दौड़ के आया गाइस, पता है मुझे दौड़ के आया, मेरा बाइक पता कितने में चला मैंने पहली बार 120 में चला, मैंने 120 130 में चलाया अराउंड 5। मजाक कर रहे तुम लोग यार, फ्री फायर की कम्युनिटी बहुत खराब है गाइस, बहुत खराब है यार। मेरे को पता नहीं था गाइस कोई बंदे को बिना जज करे कोई बंदा किसी को भी गाली देता है। जैसे पकड़ लो इसका भाई, क्या नाम है उसका भाई यार, मैं अलग था भाई, इतने दिन मैं सोचा था अलग होऊंगा भाई, अच्छा होगा भाई, कोई बंदे को जस नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। आप कुछ देर पहले मैं पूछ लो टीएसजी से, मैं कुछ चीज ने कुछ फोन किया मेरे को, ये कह रहे आपने ऐसे बात में। एंड गाइज अमित भाई ने कल श्रेय आईटी के उसी वीडियो में कमेंट किया था, कि कमेंट करके ये बताया था कि भाई ये आपके चैनल में किसने स्ट्राइक मारा है, बताओ हम आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो गाइज ज्ञान भाई ने इसके रिगार्डिंग भी कुछ रिएक्ट करके क्या बोला है, मैं उसका क्लिप आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। रिगार्डिंग कुछ बोले हैं, तो उन्होंने क्या बोला उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मैं उसका क्लिप आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। कि यार नहीं कुछ होगा, ज्ञान ने स्ट्राइक नहीं मारा होगा, या कुछ रीजन होगा, कुछ उसकी तरफ से भी सुनना चाहिए, बेफालतू में ज्ञान को गालियां मत दो। मैंने तो पता है ना, उसको भी तो पता है ना कम्युनिटी है, वो अगर वो मारेगा तो उसके ऊपर हेट आएगी। हाँ ऑब्वियसली गधे जैसे रिएक्शन हो गया, ये तो सही है, ये गलत हुआ था थोड़ा सा। मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि मैं पुराना होल्डर ना स्ट्राइक का, तो मेरे को इस चीज के बारे में पता है अच्छे से। एंड गाइज इस टॉपिक के रिगार्डिंग रॉकी भाई ने भी अपने स्ट्रीम के ऊपर क्या कुछ बोला है, मैं उसका भी एक छोटा सा क्लिप आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। एक ही बात को लेके थोड़ा सा अपसेट हूँ, थोड़ा सा दुखी हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ मैं इस चीज़ को लेके भी दुखी हूँ कि हम लोग सिर्फ सोच समझे बिना सीधा ज्ञान भाई को टारगेट करके अनशन बोलने गए, ऐसा मत कीजिए गाइज प्लीज। ज्ञान भाई का भी एक आत्मसम्मान है, प्लीज उल्टा सीधा मत बोलिए गाइज प्लीज, किसी को उल्टा सीधा मत बोलिए गाइज। जब तक हमको 100% नहीं पता, वी डोंट हैव अथॉरिटी। अभी कल को ज्ञान भाई की जगह कोई मेरे पे भी बोल सकता है कि रॉकी ने स्ट्राइक लगाया, तो कल को आप सीधा के मुझे गाली देना तो नहीं शुरू करेंगे ना गाइज, क्योंकि आपको भी पहले 100% ये पता होना चाहिए कि हाँ ज्ञान भाई ने दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। और श्रेय के चैनल कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें, आप सारे बंदे जो भी श्रेय के चैनल से आए हैं, मैं सबको ये भरोसा दिलाता हूँ कुछ नहीं होगा उनके चैनल को, बेफिक्र रहें। एंड मैं श्रेय को भी बोलूंगा, ब्रदर आई नो आपके लिए हार्ड टाइम है, बट फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा आपके चैनल को, रिलैक्स रहें, बिल्कुल शांत रहें। आई नो अभी बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, जी गाइज मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे बीत रही है उसे ही पता है। बट इस वक्त मैं श्रेय को यही कहूंगा, प्लीज दिमाग शांत रखिए, कोई उल्टा सीधा कदम ना उठाएं, ठीक है, कोई उल्टा सीधा कदम ना उठाएं एकदम।
एंड गैस जी डब्ल्यू मनीष ने भी अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया जहां पे उन्होंने ये बताया कि अगर श्रेय आईटी के चैनल पे लगातार 3 स्ट्राइक आई है तो उनके उसके चैनल से वो वीडियो अपलोड करने वाला ऑप्शन हट जाना चाहिए, क्योंकि इस 3 स्ट्राइक आने से वीडियो अपलोड करने वाला ऑप्शन जो है हट जाता है। तो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग जी डब्ल्यू मनीष ने अपने वीडियो में क्या कहा उसके एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो गैस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन यहाँ पे श्रेय को मिली 3 स्ट्राइक, बहुत बड़ी बात है भाई, 1-2 नहीं 3 स्ट्राइक, ठीक है। तो 3 स्ट्राइक मिले और 3 स्ट्राइक से होता ये है कि 7 दिन में अगर आप लोग 3 स्ट्राइक में से 1 भी स्ट्राइक रिमूव नहीं करवाओगे तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने पहले बताया अगर आपके चैनल पे 1 स्ट्राइक आती है तो आपकी स्टोरी टैब, कम्युनिटी पोस्ट और वीडियो अपलोड इनमें से एक चीज गायब हो जाती है, लाइक उसका पता नहीं क्या। लेकिन उसको मिली है 3 स्ट्राइक, तो 3 स्ट्राइक में भाई वीडियो अपलोड तो यार उसकी बंद हो जाना चाहिए, बट स्टिल उसने कल वीडियो अपलोड किया। बट हाउ इट्स पॉसिबल जबकि 3 स्ट्राइक आने से उसकी वीडियो अपलोड बंद होनी चाहिए। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक किसी को नहीं पता है। एंड वही बात रही भाई, आप लोग यार जस्टिस फॉर श्रेय कर रहे हो, उसी के साथ आप लोग ज्ञान गेमिंग को बहुत ज़रा गालियाँ दे रहे हो, तो यार ये गलत बात है। अब यहाँ पे वीडियो में ये बताया गया उनके कि यार किसी ने उनको स्ट्राइक दे दिया है, अब बंदे लोग को लग रहा है कि ज्ञान ने स्ट्राइक दिया है, बट यहाँ पे ये बात सही नहीं है कि ज्ञान ने उसे स्ट्राइक दिया है, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता। और किसी को नहीं पता मतलब सिर्फ श्रेय को पता है कि उसे स्ट्राइक किसने दी है, बट यहाँ पे श्रेय भी अगर खुल के नहीं बताएगा तो ये मिस्ट्री मिस्ट्री ही रह जाएगी एंड एक दूसरे को हम लोग गाली देते रह जाएंगे। तो यार मैं बोल रहा हूँ जस्टिस फॉर श्रेय इज गुड, बट आप लोगों को वही नहीं पता किसने किया है एंड एक बंदा स्ट्रीम में आके बस बोल दिया। देखो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि स्काई ने गलत कहा है, स्काई ने भी आई थिंक सही ही कहा है, बट यार अपनी जो ऑडियंस है ना बहुत जल्दी यार इंटरेक्ट हो जाती है। अब सपोज यहाँ पे ज्ञान भाई ने भी लाइव किया, अब ज्ञान भाई के लाइव से बंदे लोग इंटरेक्ट होके अब श्रेया को गाली दे रहे हैं। मैं देखा भाई मेरे कमेंट में आ रहा था भाई श्रेया चीटर वगैरह वगैरह, अब इसमें कौन चीटर कौन जस्टिस भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बंदा वहीं पे जस्टिस कर रहा है और एक बंदा वहीं पे चीट कर रहा है, मतलब ऐसा स्पैम हो रहा है। बट मेरे को सबसे पहले ये समझ नहीं आया कि श्रेया ने वो वीडियो अपलोड की तो कैसे, भाई 3 स्ट्राइक करने के बाद तो यार उसके अपलोडिंग वाला बटन वहाँ से हट जाना चाहिए, बट शायद कोई YouTube पर नया रूल हो सकता है फिर, मेरे को नहीं पता, मैंने उतने अच्छे से आर्टिकल नहीं पढ़ा। लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है मैं बता रहा हूँ 3 स्ट्राइक के बाद यार 7 दिन में चैनल डिलीट हो जाता है। अगर चैनल में से अगर आप लोग स्ट्राइक्स नहीं रिमूव करवाते हो तो सो गाइज़ आपको क्या लगता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके मुझे बता देना। तो गाइज़ अगर आपको फ्री फायर गेमिंग कम्युनिटी के हर एक न्यूज़ एंड अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो गाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। एंड गाइज़ मैं आपको मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे कूल। Bye-bye, guys.